मालिकी सजन बाजी प्यारी सत्संग जी, नाम का सुमरन। जो जीव इस घोर कलयुग में करते हैं, अंत्यकरण साफ पवित्र हो जाते हैं, उनके अंदर और बाहर कोई कमी नहीं रहती। लेकिन सुमरण करना जीव को बड़ा मुश्किल लगता है। सुमरण अगर जीव सच्चे दिल से करे, सच्ची तड़प से करे, तो उसके अंत्यकरण की मैल साफ हो सकती है। दिलो दिमाग का शीशा साफ होके इस काबिल बन जाता है कि मालिक जो कि अंदर सबके रहता है, वो नजर आना शुरू हो जाता है। और जब अंदर नजर आता है तो बाहरी तौर पे आंखें भी इस काबिल बना देता है कि जर्रे जर्रे में, कणकण में वो मालिक समाया हुआ, रहता हुआ नजर आने लगता है। उससे इंसान को एक नशा चढ़ता है, एक आनंद परमानंद आता है, जिसकी कल्पना लिख बोल के नहीं की जा सकती। और इंसान को वो खुशी मिलती है, वो शक्ति मिलती है, जिसके द्वारा दोनों जहां की खुशियों का हकदार इंसान बनता चला जाता है। जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाती हैं, मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिलती है। इसलिए नाम का सुमरण अति जरूरी है। बिगड़े काम बना देता है नाम, जायज इच्छाएं पूर्ण कर देता है। इंसान जो अपनी बुराइयों पे जीत हासिल नहीं कर पाता, सुमरण करे बुरी आदतें छोड़ देता है। इंसान कम चिंता टेंशन या काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया किसी में भी उलझा हुआ है, अगर सुमरण करे तो वो दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन सकता है और तमाम गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल कर सकता है। पांच चोर मन माया काबू में आ जाते हैं। इसलिए नाम का सुमरण करना बहुत जरूरी है। घोर कलयुग का समय है, सुमरण के बिना मन इंद्रियां काबू में नहीं आती, इंसान को गुमराह करती रहती हैं, इंसान भटकता रहता है, भ्रमता रहता है, दुखी होता रहता है। तो इसलिए राम नाम का जाप किया करो, मालिक से मालिक को मांगा करो और सुमरण के पक्के बन जाओ। सुबह शाम जरूर सुमरण करो, उसके बिना बात नहीं बनेगी। सुमरण के लिए घर परिवार छोड़ना नहीं पड़ता, पैसा नहीं लगाना, कपड़ा लत्ता नहीं बदलना। जिस मर्जी धर्म में रहो, जिस मर्जी मजहब में रहो, बस सुमरण करो। किया गया सुमरण खाली नहीं जाता, उसका फल अवश्य हर जीव को मिलता है और इंसान परमानंद की प्राप्ति के काबिल बनता चला जाता है। सुमरण ऐसी शक्ति है जो आत्मा को बलवान बनाती है और जिसकी आत्मा बलवान होती है, सफलता उसके कदम हमेशा चूमती रहती है।